नमस्कार। आज देश में भी घटनाओं का भरा दिन रहा और विदेश में भी रहा। देश में जहां एक तरफ कर्नाटक में सरकार सिद्धरमैया के नेतृत्व में आ गई है, वहीं विदेश में हिरोशिमा में इस समय बड़े नेताओं का, देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। G7 की बैठक हो रही है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि G7 की बैठक हिरोशिमा में हो रही है और हिरोशिमा का महत्व हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर द्वितीय के दौरान पहली बार एटॉमिक जो है वहाँ अटैक हुआ था और इसलिए उसका वहाँ महत्व, उस बैठक का महत्व हो जाता है, और खास तौर से तब, और जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही हो, और ऐसे बिल्कुल मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसकी का वहां पहुंचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूक्रेन कीव से कुलदीप कुमार साहब हैं मौजूद, जो जिनको हम सब लोग बहुत सारे जगह देखते रहते हैं और वहां के बहुत बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ में है जनरल AK श्रीवास साहब, जिनको भी हम सब लोग बहुत जानते हैं, विद्वान हैं और मामलों को लेकर के काफी चर्चा करते रहे हैं। शिवा साहब, पहले आप से बातचीत, क्योंकि पहली बार जो है जब से युद्ध शुरू हुआ, लगभग 1.25 साल हो गए, मोदी साहब की और जेलेंसकी साहब की मुलाकात हो रही है। मोदी और जेलेंसकी की इस मुलाकात को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? क्या हम कोई उम्मीद लगा सकते हैं युद्ध के सिलसिले में, या सिर्फ ये बात यहीं तक रहेगी कि हम जेलेंसकी को सपोर्ट करेंगे या यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ शिवा देखो, साहब। सच्चाई, हाँ सच्चाई इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई देश या कोई टॉल लीडर है आज की तारीख में वर्ल्ड में, मोदी से बड़ा नहीं है जो कि इस लड़ाई को बंद करा सके। कहने का मतलब यह है कि आज उनकी जो छवि एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल की है और उनके रिलेशन बहुत अच्छे पुतिन से भी हैं, जो बाइडेन से भी हैं और जेलेंस्की और बाकी नेटो कंट्री से। अगर आप देखें कि लड़ाई उस मोड़ पे पहुंच गई, अभी 1.25 साल से ज्यादा हो गया है और लड़ाई के अंदर के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई लाइंस ध्वस्त हो गई हैं और आने वाले समय में जो क्लाइमेट का है वो भी बहुत ही डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री जब जेलेंस्की से बात करेंगे कोई ना कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि एक ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पुतिन की आंखों में आंखें डाल के उनको ये बताया था कि ये दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का समय नहीं है और डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। तो सबकी उम्मीदें हैं कि अगर कोई लीडर ऐसा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अब वो बैठ के कहीं जेलेंस्की से पहली बार पर्सनल बात हो रही है इन पर्सन, जब से ये लड़ाई रशिया यूक्रेन शुरू हुई है तो बहुत उम्मीदें हैं और आप इस समय बताएगा कहाँ तक वो बातें ठीक होती हैं। कुछ एक और चीजें भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, यही नहीं कि जो लड़ाई बंद हो, ग्रेन डील के बारे में भी बात होगी क्योंकि जो यूक्रेन से ग्रेन जाता है वो ब्लैक सी से, उसके ऊपर भी कोई क्लियरेंस नहीं मिली है, उसके ऊपर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, उस पॉइंट को आगे ले जाएंगे पुतिन की तरफ और बाकी बाइडेन के पास भी, और मुझे लगता है कुछ एक ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात जेलेंस्की करेंगे, जो मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, जहां तक मेरी जानकारी है, बातचीत हो चुकी है उन लोगों में, एक दौर की बातचीत हो चुकी है और वो अभी खत्म हुई है। चलिए, उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुलदीप जी, आप बताइए कि कीव में आप बैठे हुए हैं, यूक्रेन की जनता इस बातचीत से या इस मिलन से या इस पूरी G7 की बैठक से कितनी आशान्वित है, क्या उसको उम्मीद लग रही है? देखिए, आशान्वित तो है लेकिन इन लोगों का एक फंडा है कि जी जब तक ये हमारी जमीन जिस पर इन्होंने कब्जा किया है वो वापस नहीं करेंगे तो कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। पहले हमारी जमीन से हटे,
उसके बाद जो है आगे बात हो पाएगी। इवन अभी अगर कंप्रोमाइज की कोई बात भी होती है, इवन मोदी जी के थ्रू होती है, यानी जैसे जनरल साहब ने बताया कि एक ही लीडर हैं, मैं सहमत हूं पूरी तरह से उनसे, लेकिन जब तक ये जमीन वापस नहीं होगी ना हमारे प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रश्न यही उठेगा कि जमीन हमारी वापस की जाए तो हम उसमें तैयार हैं कंप्रोमाइज के लिए, अदरवाइज ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि रुकेगी, ये चलती रहेगी आगे। जी जनरल सिवा साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, युद्ध के दौरान अभी ईस्ट यूक्रेन का हिस्सा रूस ने कब्जे में कर रखा है और उसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती रही हैं। क्या आपको लगता है अगर इस तरीके की कोई शर्त रखी गई तो क्या उसमें बात आगे बढ़ पाएगी, जैसा कि कुलदीप कह रहे हैं? बात तो देखो, यूक्रेन की तरफ से अगर बात की जाए और यही यूरोप सोच रहा है, क्योंकि लड़ाई का जो पलटा धीरे धीरे यूक्रेन की तरफ भारी पड़ता जा रहा है और यूक्रेन अब को ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो कि ऑफेंसिव हैं, चाहे वो MiG-29 है या चैलेंजर 2 है, लेपर्ट 2 है, ब्राइम M है, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर भी, अब उसकी कैपेबिलिटी ऑफेंसिव की तरफ हो रही है। तो अब वो बात नहीं हो रही कि जो इलाका इन्होंने अभी दिया था, जो कि डॉनबास का इलाका है, डॉनसक लुहानसक और आपका जापोरिजिया और खारासोन, इसको बोलते हैं ईस्टर्न क्रेसेंट, ये जो एक प्रकार बफर जोन रूस ने ले लिया है, जो अब यूक्रेन कह रहा है हमें वापिस चाहिए। और यही नहीं, अब वो काबिलियत आ गई है यूक्रेन में कि वो क्रीमिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 2014 में जो रूस ने जीता था। अगर ऐसा ही जो आपका स्टांस रहा तो फिर ये लड़ाई शायद रुकने का नाम नहीं लेगी। मुझे लगता है कि लड़ाई में गिव एंड टेक होगा और कहीं ना कहीं अगर बातचीत की जाए, सीज फायर हो फिर बातचीत हो तो कोई सलूशन निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो रूस है वो एक समर ऑफेंसिव की बात कर रहा है, बेलारूस से की तरफ जाएगा, जो लड़ाई में वो सोचता था वो कर पाएगा वो नहीं कर पाया, इसमें कोई शक नहीं। उसने सोचा था मैं 10-15 दिन में ये युद्ध जीत जाऊंगा, युद्ध ना जीत पाया और उसकी हालात खराब है, दलदल में फंस गया है। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन के लिए भी ये पूरा इलाका मिलिट्रली वापस लेना, डोनबस का, जोपरुजिया, खाराकोन और कीव का इतना आसान नहीं होगा। ये लड़ाई फिर आगे चलेगी। एक होप है, एक होप से ही दुनिया चलती है कि कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकले जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हो, फिर आगे बात चले। क्योंकि एक और लीडर की बात हो रही थी सी जिनपिंग की, मगर वो देखा गया कि जो सी जिनपिंग है वो एक बायस्ड है, वो रूस की तरफ ज्यादा झुकाव है। मुझे लगता है कि अगर कोई लीडर आज की तारीख में वर्ल्ड में है जो कि एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल है, जो कि एक टॉल लीडर है, वो यही मोदी है। बातचीत होकर कोई सोल्यूशन निकलने की तरफ जा सकते हैं अगर हम दोनों तरफ से मजबूती रखी और हार्ड स्टांस लिया, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है इसका सोल्यूशन इतनी जल्दी निकालना। फिर तो इसमें ये लड़ाई लंबी जाएगी और अगर ये लंबाई लड़ाई जाती है तो ये पूरे वर्ल्ड की सर्वनाश की तरफ है, क्योंकि तो आपके फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी और क्लाइमेट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और स्पेशली जो हम जिसके लीडर बन के आए हैं ग्लोबल साउथ के, उसमें इन जो पुअर कंट्री हैं उन पे ज्यादा असर होगा। श्रीवास्तव साहब, जी, आपने कहा कि मतलब अभी बहुत आप लोग आशावान नहीं लग रहे हैं, आप दोनों ही लोगों की बातचीत से लग रहा है, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ऐसा क्या जादू का पिटारा होगा, या क्या वो कर सकते हैं, क्या शर्तें हो सकती हैं, क्या जेलेंस्की को मनवा सकते हैं, क्या बाद में जब पुतिन से बातचीत होगी उनसे मनवा सकते हैं, ऐसी क्या बातचीत होगी और किस हद तक कहाँ तक जाया जा सकता है? आप खासतौर से जनरल सिवात, आप अनुभवी हैं और युद्ध में सिर्फ लड़ने के लिए और हम तो नहीं मानेंगे से बात नहीं होती, गिव एंड टेक होता ही होता है, ऐसे बिना उसके काम नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि कहाँ किस बात पे समझौता हो सकता है, कहाँ बात दबाव का एक सिलसिला शुरू हो सकता है? अभी समझौते की बात तो बहुत दूर की है, अभी तो सिर्फ ये है कि एक दबाव का सिलसिला हो, मान मनोबल का सिलसिला हो, कहां से एक दोनों तरफ से बात शुरू हो। जी देखो, दुख की बात यह है कि अभी तक कोई सीरियस निगोशिएशन किसी ने कोशिश ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका है, अमेरिका को इस लड़ाई में बहुत फायदा हुआ है, सबसे हथियार ज्यादा उसके बिके हैं
ऑयल और गैस जो यूरोप लेता था रूस से, अब उसका भी झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया है। तो सच्चाई यह है कि कोई सीरियस प्लेयर ने, किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि यह लड़ाई रुके। और इसी प्रकार यूरोप इकट्ठा हो गया है, यूरोप अब मिलिटराइज ज्यादा हो गया है, और इस प्रकार से साथ में रूस भी अब एक प्रकार हार्ड स्टांस ले रहा है कि उसके पास चॉइस नहीं, पुटिन के पास कोई खास चॉइस नहीं है। वो मुझे नहीं लगता उसके पास कोई ऐसा पटारा है कि वो युद्ध जीत लेगा। बहुत मुश्किल होगा अगर ये लड़ाई चलेगी तो, कहीं ऐसा तो नहीं ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, क्योंकि तो ये डर बना रहेगा। अब बात आती है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास ऐसा क्या पटारा है, क्या वो कुछ कर सकते हैं? देखो कोई पटारा नहीं, उनकी सबकी यही है कि वो एक जेन्युइन पीस ब्रोकर है, वो सच्चे मन से कोशिश करेंगे। उनको कोई भी दोनों तरफ तरफ से प्यार है, दोनों तरफ उसकी सुनेंगे। हो सकता है वो निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए, क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि लड़ाई बंद हो डायलॉग और डिप्लोमेसी से और फिर बातचीत चले, और यही फर्क है इनके बीच में। और जो लीडर हैं, जो वर्ल्ड लीडर हैं, जो कि बायस हैं, एक या तो इस तरफ है या उस तरफ है। तो मुझे लगता है इसीलिए उम्मीद है, होप है, अगर ये भी फेल हो जाती है तो फिर ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। श्रीवास्तव, जी कुलदीप, आप बताएं कि आपको क्या लगता है, ऐसा मोदी जी के पास में क्या है, किस तरीके की बातचीत है, कहाँ किसको वो कितना दबाव में डाल सकते हैं, कितना उनसे मान मनोवल कर सकते हैं, कहाँ पर एक इस बातचीत का लाभ होने जा रहा है, जेलेंस्की से मोदी की मुलाकात का आप लाभ कहाँ देखते हैं? देखिए जी, अगर पुतिन अगर इस बात पे गौर करें तो बुरे वक्त में रशिया के साथ हिंदुस्तान खड़ा रहा है, जो हमने नहीं तो उनके क्राइसिस बढ़ जाने थे, जो ऑयल लिया सब कुछ, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त बहुत टाइम से हम लोगों के अच्छे रिलेशन है। और मोदी जी का कद, मोदी जी एक ऐसे नेता है जिसको पूरी दुनिया इस समय मानती है, इवन यूक्रेन में हर आदमी मोदी जी को जानता है, तो उनका कुछ तो फर्क पड़ेगा। अगर इन बातों को ध्यान रखते हुए पुतिन, व्लादिमीर पुतिन अगर सोचते हैं कि बात सुनी जाए और बैठ के जैसे बात की डायलॉग से बात को खत्म किया जाए तो शायद रुके, जिसके चांस मुझे कम नजर आते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें हिंदुस्तान को नहीं और कई कंट्रीज को बीच में आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक हिंदुस्तान ही इसको सॉल्व कर पाएगा, लेकिन कोशिश मोदी जी अगर करेंगे तो शायद और नेता भी इसमें शामिल हों। नहीं तो आपको लगता है कि और नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर ये जानना चाहूंगा जनरल साहब, कि ये जो कुलदीप कह रहे हैं कि और देश भी इसमें जुड़े, दबाव है, जैसे आपने कहा कि अमेरिका समेत कई देशों का अपना इंटरेस्ट है हथियार बेचने, जो बहुत लेमैन की तरीके से कहा जाता है कि युद्ध में तो जो बड़े हथियार निर्माता देश होते हैं उनका फायदा होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनका तो अपना इंटरेस्ट है, तो वो तो चाहेंगे ही नहीं कि ये युद्ध खत्म हो। फिर नहीं, भी मगर सामने बात, आदर्श की जब बात होती है तो करते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे देश हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ करके पुतिन को भी समझा सकते हैं, क्योंकि पुतिन का भी काम धंधा उसी तरीके का है जो अमेरिका का है, हाँ तो बिल्कुल, देखो कैसे बात कहां तक निकलेगी? हाँ बिल्कुल, देखो श्रीवास्तव साहब, बात ऐसी है कि अमेरिका को भी ये पता है कि उसके हथियार जितने बिकने थे काफी बिक चुके हैं, और एक डिफेंस की मार्केट बन गई है। वो छोटे छोटे देश स्वीडन फिनलैंड जो किसी दायरे में नहीं आना चाहते, वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, छोटे छोटे देशों ने हथियार खरीदे हैं। अब उनको ये भी लगता है कि ये लड़ाई पुतिन से जीतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, और ऐसा ना हो कि पुतिन को बिल्कुल प्रेशर में डाल दे कि वो न्यूक्लियर हथियार की तरफ या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाए। तो एक क्लियर कट विक्ट्री यूक्रेन के लेने के लिए बहुत मुश्किल है, और इसी प्रकार से पुतिन को भी मालूम है कि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी उसने सोची थी कि एक सेकेंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की और 10 से 15 दिन में जीत लेंगे। आज उनको लाले पड़ गए, और जिस प्रकार से पलट वार कर दिया यूक्रेन ने, यूक्रेन कह रहा है हम इस इलाके को तो लेंगे ही, जो ईस्टर्न क्रेसेंट का जो लिया है, हम क्रीमिया को भी वापस लेंगे। तो पुतिन को भी अब पता है कि इसके आर्मर में चिंक्स हैं, उसको भी पता है कि मुश्किल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुतिन को भी लगता है कि जीतना, ऑल आउट जीतना बहुत मुश्किल है। इस तरफ यूक्रेन को भी लगता है और अमेरिका को पता है
वापिस सारा इलाका लेना भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है बातचीत शुरू हो सकती है, उसका क्या नतीजा होगा वो तो समय ही बताएगा, मगर पुटिन और जेलेंस्की के ऊपर कोई अब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो एक मोदी लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो एक कोशिश कर सकते हैं। अगर ये कोशिश सक्सेस होगी तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा, इनकी कोशिश थोड़ी सक्सेसफुल हुई तो फिर और लीडर भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, फिर तो बात चलेगी तो फिर आगे चलेगी, मगर स्टार्टिंग तो चले, अभी तक तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है और बातचीत की कोई बात ही नहीं हो रही है, बातचीत की बजाय लड़ाई की बात हो रही है। अभी हो रही है कि समर ऑफेंसिव क्या होगा, काउंटर ऑफेंसिव क्या होगा, किस प्रकार से रूस हमला करेगा बेलारूस से कीव की तरफ, किस प्रकार से जो यूक्रेन है वो एक काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और वो जाएगा रूस के अंदर और क्रीमिया को लेने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो ये लड़ाई कहां जाएगी, ये समय ही बता सकता है, मगर फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है कि मोदी जो है एक जेन्युइन पीस ब्रोकर की स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर स्टार्ट में कोई सक्सेस मिले, क्योंकि तो दोनों साइडों को पता है कि ऑल आउट विक्ट्री मिलना बहुत मुश्किल है इस लड़ाई में, दोनों की पक्षों में कुछ कमियां हैं कुछ खामियां हैं, तो मुझे लगता है ऐसे ही बात चलती है, लड़ाई से ही लड़ाई का लड़ाई हल है नहीं, लड़ाई का अंत बातचीत ही है, तो क्यों नहीं बातचीत अभी शुरू हो, मुझे लगता है पहल करनी चाहिए, फिर आगे समय ही बताएगा कितनी इसमें सक्सेस मिलती है। तेरी बात तो था कुलदीप, आप क्या समझते हैं कि क्या सचमुच कुछ एक बातचीत की पतली गली निकल सकती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, और आपको क्या लगता है कुछ संभावना है जरा सी भी, या ये है कि चलो भाई एक औपचारिकता है, मिल लिए, हो गया, क्या आपको लगता है? नहीं, एक स्टार्ट तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, जैसे जनरल साहब ने कहा, अगर एक स्टार्ट लिया जाए, अगर धीमी सी भी रोशनी कहीं नजर आए तो उसको बढ़ाया जा सकता है, आगे स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो पुतिन से अगर आप न्यूक्लियर की ये ना रखिए कि वो न्यूक्लियर नहीं चलाएंगे, वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये न्यूक्लियर वार में जब उनको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो वो न्यूक्लियर को कुछ भी कर सकते हैं वो। मैं और हमारी जनता यहाँ की जो यूक्रेन की है, ये सोचते हैं कि उनसे किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो स्टार्ट एक लिया जाए, हो सकता है कि आगे चल के यही रास्ता बन जाए। हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये रास्ता बने, लेकिन क्योंकि अभी हम इस पे बहुत सारा कुछ कह नहीं सकते, क्या बातचीत हुई है, बातचीत दोनों नेताओं की हो चुकी है, उसमें आगे क्या शुरुआत होगी, कैसे होगी, ये तो वक्त पे पता लगेगा, जब या तो ज्वाइंट कम्यून आएगी या कुछ और होता है, लेकिन हम उम्मीद करें और उम्मीद के सहारे ही हम सबकी दुनिया कायम है। बहुत बहुत आभार कुलदीप जी आपका कीव से ज्वाइन करने के लिए, और जनरल साहब आपका, आपने इतना धन्यवाद, व्यस्त समय में अपना समय निकाला और नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत की, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।